हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अभी अपने चैनल पर रीजनिंग पेपर की क्लास टू के लिए ओलंपियाड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। पहला टॉपिक हमारा था पैटर्न, जिस पर हमने 3 वीडियो बनाए हैं। उसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग यूनिट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेजरिंग यूनिट्स क्या होता है। डिफरेंट प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को मापने के लिए डिफरेंट प्रकार के मेजरिंग यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे लेंथ। लेंथ से हम किस प्रकार के ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं। हाउ टू कंपेयर द लेंथ ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। इफ़ ऑब्जेक्ट आर स्ट्रेट देन मेजर देम बाय रूलर और टेप। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट सीधा है तो उसे हम रूलर या टेप से मेजर कर सकते हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट आर कर्व देन द ऑब्जेक्ट हैविंग द मैक्सिमम कर्व इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ऑब्जेक्ट हैविंग द मिनिमम कर्व इज शॉर्टेस्ट। यदि ऑब्जेक्ट कर्व शेप का है या बहुत ज़्यादा कर्व भारी है या लॉन्गेस्ट है या बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसको हम उसकी लेंथ को हम रूलर या टेप से मापते हैं, वह हमारा लेंथ कहलाता है। जो हम टेप या रूलर से मेजरमेंट करते हैं उसे हम लेंथ कहते हैं। वेट। हाउ टू कंपेयर द वेट ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स। वेट किसी भी ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसका वेट निकाल सकते हैं। यूज वेटिंग स्केल टू आइडेंटिफाई द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कैटेगरीज देम फ्रॉम द लाइटेस्ट टू द हैवीएस्ट और हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट। वेट के द्वारा हम दो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट के द्वारा। कौन ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवीएस्ट है या कौन ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइटेस्ट है उसे हम स्केल के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट का टॉपिक होता है मनी। मनी यानी रुपया। 1 रुपीज़ में 100 पैसे आते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस में हम करेंगे तो हम समझेंगे कि मनी को हम मेजर कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। नंबर ऑफ डे इन अ वीक। एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 hour = 60 minutes। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं एंड 1 minute = 60 seconds और 1 मिनट में 60 seconds होते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स क्वेश्चंस एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्टिक। अब इसमें हम लॉन्गेस्ट को फाइंड करना है कि कौन सा स्टिक सबसे ज़्यादा लंबा है। इसके लिए हम नीचे रूलर है, रूलर के अकॉर्डिंग हम इसके लॉन्गेस्ट को पहचानेंगे। तो हम देख पा रहे हैं ये सारे स्टिक 0 point से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक जा रहे हैं। तो इसमें ऑल 4 sticks स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट्स। क्यू इज़ द लॉन्गेस्ट स्टिक। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्यू जो है लॉन्गेस्ट स्टिक है, ये सबसे आगे जा रहा है, इसीलिए क्यू इज़ लॉन्गेस्ट स्टिक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच द अमाउंट सो हेयर। यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है वह टोटल्स कितने अमाउंट है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ₹20 प्लस ₹10 प्लस ₹2 प्लस ₹5 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितने हो रहे हैं। 20 प्लस 10 30, 30 to 32, 30 प्लस 2 32, 32 प्लस 5 37, 38 39। सो ₹ कितने हो रहे हैं, 39। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 39। क्वेश्चन नंबर 3, विच टॉय कॉस्ट
इज मोस्ट, इनमें से कौन से टॉय का दाम सबसे ज़्यादा है। पी टॉय 18 रुपीस, क्यू टॉय 19 रुपीस, आर टॉय 16 रुपीस एंड एस टॉय 15 रुपीस। तो सबसे ज़्यादा टॉयज़ की कीमत किसकी ज़्यादा हो रही है, 19 रुपीस सबसे ज़्यादा है। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसको हम फाइंड कर सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन से कॉस्ट के दाम है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स 19, 18, 16 एंड 15। सो सबसे मोस्ट जो है हमारा 19 रुपीज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है और 19 रुपीज़ क्यू टॉयज़ की प्राइस है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकर कंटेन्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ये 4 बीकर्स दिए गए हैं, इसमें से कौन से बीकर में सबसे ज़्यादा वाटर आएंगे। अब हम देख पा रहे हैं बीकर पी, बीकर क्यू, बीकर आर एंड बीकर एस। हाइट ऑफ ऑल बीकर्स आर सेम, हाइट की दृष्टि से सभी बीकर सेम साइज के हैं, बट विड्थ अर्थात चौड़ाई ऑफ बेक्स एस इज मैक्सिमम। बीकर्स एक्स की विड्थ या चौड़ाई सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पर बीकर एक्स कंटेनर हो जाएगा और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच आइटम इज़ द हैवीएस्ट। पेन, स्टेपलर, इरेजर, स्टेपलर। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि पेन और स्टेपलर में स्टेपलर हैवीएस्ट है, इरेजर और स्टेपलर में भी स्टेपलर हैवीएस्ट है। इरेजर और पेन में पेन हैवीएस्ट है, स्टेपलर और बैग में बैग हैवीएस्ट है। जो सामान ज़्यादा झुक जाता है वो भारी होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं स्टेपलर जो है इरेजर और पेन दोनों से ज़्यादा हैवियर है, बट बैग जो है स्टेपलर से ज़्यादा हैवियर है। सो स्टेपलर इज़ हैवियर देन बोथ पेन एंड इरेजर, बट बैग इज़ हैवियर देन स्टेपलर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रिंग इज़ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रिंग इज़ द लॉन्गेस्ट। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्ट्रिंग सबसे छोटा और कौन सा स्ट्रिंग सबसे लंबा है। सो पी, क्यू एंड आर। इसमें हम देख पा रहे हैं स्ट्रिंग क्यू इज स्ट्रेट एंड स्ट्रिंग आर इज कर्व देन स्ट्रिंग पी, हेंस स्ट्रिंग आर, स्ट्रिंग क्यू इज द शॉर्टेस्ट एंड आर इज लॉन्गेस्ट। सबसे छोटा स्ट्रिंग आर है और सबसे लंबा जो है सबसे छोटा स्ट्रिंग क्यू है एंड सबसे लंबा स्ट्रिंग आर है। सो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्टेस्ट क्यू क्योंकि स्ट्रेट है एंड मोर देन कर्व स्ट्रिंग आर, सो लॉन्गेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 1, 2, 3, 4, 4 कैटल इज इक्वल टू 1 पेल। सो कितने कैटल ऑफ वाटर फिल अप 5 सच पेल्स। 5 सच पेल्स में कितने कैटल आएंगे, कितने कैटल वाटर्स आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 कैटल इक्वल टू 1 पेल्स। सो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 इक्वल टू 20 कैटल्स, 20 कैटल्स इक्वल टू 5 पेल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 25 कैटल्स 5 पेल्स में 20 कैटल्स पानी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कप इक्वल टू 1 बॉटल एंड 4 कप इक्वल टू 1 कैटल। तो 4 बॉटल ऑफ वाटर कैन फिल अप कैटल्स, 4 बोतल पानी कितने कैटल्स को फिलअप करेगा। तो इसको हम इस प्रकार समझेंगे, 3 कप्स इक्वल टू 1 बोतल, सो 12 कप्स इक्वल टू 4 बोतल्स, 4 कप्स इक्वल टू 1 कैटल, सो 12 कप्स इक्वल टू 1 कैटल एंड 4 बोतल्स इक्वल टू 3 कैटल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 कैटल्स 4 बोतल
ऑफ वाटर्स में 3 केटल फिलअप होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच बॉल इज द हैवीस्ट. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पी, 1p इज इक्वल टू 2q, 1p इज इक्वल टू 2q एंड 1q इज इक्वल टू 2r. सो विच इज हैवीएस्ट. सो यहाँ पर क्या हो गया, p इज हैवीएस्ट एंड 1q इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर क्या हो गया, q इज हैवीएस्ट. सो पी हैवीएस्ट क्यू एंड क्यू हैवीएस्ट आर. सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सा हो गया, पी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच स्ट्रिंग इज द लॉन्गेस्ट. पी क्यू आर एस. इसमें से हमें बताना है कौन सा स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है. सो स्ट्रिंग पी इज मोर कर्व देन अदर स्ट्रिंग. सो पी इज द लॉन्गेस्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 11, विच बॉल इज द हैवीएस्ट. बी एंड डी. इसमें हम देख पा रहे हैं बी एंड डी. इसमें हमारा बी हैवीएस्ट हो गया, सी एंड डी, सी एंड बी. तो सी जो है किससे हैवीएस्ट हो रहा है, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं सी हैवीएस्ट है डी एंड बी दोनों से हैवीएस्ट है, और बी जो है डी से हैवीएस्ट है. तो हमारा क्या हो गया, सी बी एंड डी. इस प्रकार ये ऑप्शंस आ गए. तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा हो गया, सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 आवर्स. 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं. तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स. तो 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 + 60 इजकल टू 120. तो 2 घंटे में 60 + 60 यानी 120 मिनट्स हो जाएंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 120. क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लॉक्स ऑन द टाइम हाफ एन आवर आफ्टर 1:45 PM. इनमें से कौन से बैच में हमें बताना है 1:45 अभी टाइम हो रहा है, इसके आधे घंटे के बाद क्या समय होगा, और वो कौन सी घड़ी सही टाइम बता रहा है. तो हाफ एन आवर आफ्टर 1:45 PM इज 30 मिनट्स आफ्टर 1:45 PM इजकल टू 2:15 यानी 2:15 होगा. अभी हमारा 1:45 हो रहा है, उसके आधे घंटे के बाद कौन सा टाइम होगा, तो 2:15. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी.